ओके जिंदर भाई ठग पहली बार बैठेंगे रोप वे ऐसे बोल रहा ना नहीं मैं आया बहुत बार हूं मनसा जी पर बैठते दुनिया की पहली शक्तिपीठ है होती है चीजें जो बताई नहीं जाती मैं स्मार्ट में इसमें लग रहा हूं ना अगर हकीकत में होता तो बात ही क्या थी लेकिन अब थोड़ा वो आ रहा है धूप वगैरह तो अच्छा लग रहा है ठीक है और फिल्टर भी है और व्यू कुछ यहाँ से ऐसे है ये देखो पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं है। और यहाँ फोटो शूट चल रहा है ये देखो और पराठा चाय मैगी सब बोल दिया गाइस बहुत ही खतरनाक वाला तो बस स्वागत है आपका देवभूमि अबे तुम कहाँ हो दिख ही नहीं रहे तुम तो सही लग रहे है तो भाई अभी रास्ते में चलते हुए यहाँ पे लॉय की तो जो हमारी फ्रेंड है निशा उसको पसंद आया ठीक है यहाँ पे शॉप है और ये देखो यार कुत्ते कितने इसलिए लग रहा पूरा मस्त है और यहाँ से भी कुछ ऐसा है जितेंद्र भाई भी अभी कौन सा वो ले रहे हैं पांडा ले रहे हैं भाई अब देखो शौक है तो शौक पाला है तो भाई देखो पूरा तो करवाना पड़ेगा हमारी फ्रेंड है काफी को करना पड़ेगा बाकी बार्गेनिंग तो कोई दिक्कत नहीं बार्गेनिंग कर लेंगे ठीक है चलो आ जाओ चलते हैं भाई इस व्यू पॉइंट पे रुके हैं और ये देखो यहाँ का ये वन विभाग है और कुछ सामने से व्यू ऐसा है यहाँ से मसूरी 4 किलोमीटर पर हम ना गलत आ गए यार मसूरी गए थे तो एक पुलिस वाले भैया तो उन्होंने बोला वो अलग से रास्ता है फिर अलग से ये है बाटा घाट 2065 मीटर ऊंचा है और यहाँ से व्यू जो है वो बहुत ही खतरनाक वाला है बहुत ही मस्त है यार यहाँ से देखो यहाँ पे शौचालय भी आई भी है खाली वन विभाग ऐसा है और ये जो आपको दिख रहा है ना ये चीज़ ये है भाई पुलिस चौकी मतलब काफ़ी पुरानी होगी और वहाँ स्कूटी खड़ी कर दी हमने मस्त व्यू है तो भाई सुकंडा देवी पहुंच चुके हैं जाने की बारी चलते हैं यहाँ से 100 मीटर ऊपर आओगे तो रोपवे से जाएंगे भाई जिसका किराया है 200 रुपये और ये प्रसाद लिया हमने 100 रुपये का ठीक है और यहाँ से भी कुछ ऐसा आ रहा है तो गाइस फाइनली ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से रोपवे लेके चलते हैं अभी तो पैर दुख रहे हैं भाई चलो चलते हैं ये भाई रोपवे की जो टिकट मिलती है 205 रुपये मोटी पेमेंट भी से आ रहा सारी 819 रुपये की टिकट रोपवे की टिकट ले लाइफ में पहली बार बैठेंगे रोपवे में ऐसे बोल रहा अंदर बैठे हुए और अभी चलने वाली है आपको दिखा दूं कैसे सिस्टम है ये है कुछ ऐसा यहाँ से घूमने ऊपर जाते रहेंगे और हमारी बारी आने वाली कोई आएगा तो आ रहा है सर से उसके बाद लाइफ में पहली बार ये एक्सपीरियंस करूँगा भाई आ चुका है इसमें हम बैठ के जाएंगे ऊपर अंदर से व्यू दिखाता हूँ कैसा क्या है यार
चलते अंदर की साइड। उस साइड बैठ जाओ, उस साइड बैठ जाओ तुम लोग। हेलीकॉप्टर का गेट बंद हो गया। चलते अंदर। चल दिया है, अटक भी जाएगी तो क्या है। बोलो सरकुंडा माता की जय हो। तेरे नहीं, तेज हो लो भाई। गेट ऑटोमेटिक है, बंद हो गया। इनने किया ना, ये कैसे सीख जा रहे हैं। यही तो लेवल है, हिलना नहीं है, दिक्कत हो जाए। पूरा सर गिर गया। अलग ही लेवल है। अरे वीडियो बना रहे, अपनी वीडियो बना रहे तो यहाँ क्या हो रहा है। सीसी भर दो कैमरा, कैमरा सीसी भर दो, अरे ऐसे यार चिपका। जितेंद्र भाई कैसा लग रहा है पहली बार? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पीछे देखो हम बहुत ऊपर आ गए, ये लोग हमारे पीछे आ रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं कैसे जाना है। रोप वे से उतरने के बाद अब ऊपर जा रहे हैं जितेंद्र जी। बंदर तो नहीं ले जाएगा मोबाइल मेरा। आ जाओ ऊपर। वहाँ से भाई बहुत खतरनाक सा व्यू है, मस्त वाले दारू भी। अभी अंदर आ गए, दर्शन वगैरह हो गए, अंदर फोटो और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो अंदर कुछ नहीं किया। और ये है प्यारा सा मंदिर भाई। जो सुरगंडा देवी का जो इतिहास है वो है यहाँ से, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ, ये पूरा इतिहास है, कैसे नाम पड़ा, क्या हुआ। और यहाँ से जो व्यू है हिमालयन रेंजेस का यहाँ से पूरा। और ये यहाँ पे चुनरी वगैरह लोग बांधते हैं, विशेष बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी चुनरी यहाँ बांधते हैं तो उनकी विशेष पूरी होती है। और सामने हिमालयन रेंजेस है जो ये पूरा मंदिर, इसके सामने आपका ये छोटा सा एक मंदिर, मतलब काफ़ी सारे मंदिर हैं पर मेन जो है वो ये मेन मंदिर है। तो भाई अभी जितेंद्र भाई बताएंगे कि आपको जो सुरगंडा देवी है उनकी हिस्ट्री क्या है, बताओ भाई। जैसा कि आप सभी जानते होंगे जो शिव जी हैं उनकी पहली पत्नी माता सती थी। पिता द्वारा एक यज्ञ कराया गया और उसमें भगवान शंकर को इनवाइट नहीं किया गया, जिसके चलते क्रोध में माता सती कुंड में कूद गई थी जो कि कनखल में है इस समय। उसके बाद जब इस बात का पता शिव जी को लगा तो उन्होंने उनकी जलती हुई लाश को अपने दोनों हाथों से उठा करके तांडव करने लगे। और तांडव करते करते अगर वो और समय तक तांडव करते तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। ऐसा ना हो इसके लिए ये देखते हुए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े कर दिए, 51 टुकड़े किए, जो कि आज के टाइम पे 51 शक्तिपीठ हैं, जिसमें ये प्रथम शक्तिपीठ है। और यहाँ पर सर गिरा था माता का, इसीलिए इनका नाम सुरगंडा देवी पड़ा है। जय माता दी। तो भाई अभी आपको हिस्ट्री बता दी जितेंद्र भाई ने। अभी यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो खतरनाक है, पर दर्शन वगैरह कर लिए, अब चलते हैं नीचे की साइड। रोपवे का जो एक्सपीरियंस है ना भाई, बड़ा मज़ा आ गया। और अब नीचे चलते हैं और फिर मसूरी और जो भी रास्ते में पड़ता है उसको एक्सप्लोर करते हुए
फिर उसके बाद शाम की ट्रेन भी, हमको ट्रेन भी पकड़नी है, तो उसके बाद निकलना भी है भाई। मज़ा आ गया। और अगर आपको टाइम मिले तो एक बार ज़रूर विजिट करना, क्योंकि ये दुनिया की पहली शक्तिपीठ है। आप अगर आना चाहते हो तो आपको जर्नी मैंने बताई दी है कैसे करनी है। देहरादून तक आओ, फिर वहाँ से स्कूटी लो और सीधा आ जाओ सुरकंडा देवी। बहुत मस्त है यार, मतलब तो हर चीज़ के लिए, मन टेम्पल भी है, व्यू पॉइंट भी है। भाई मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, जितेंद्र भाई के फ़ोन से बना रहा हूँ, और अब वापस आ चुके हैं। काफ़ी बढ़िया था, और ये हमारा रोपवे लाइफ टाइम है फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस लिया था, बहुत बढ़िया। तो अब उतर चुके हैं, नीचे की साइड जा रहे हैं। अरे वाह, इतना ज़्यादा ग्लो आ जा रहा है चेहरे पे कि समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब चलते हैं सीधा। हाँ तो सीधे तो जाना है, चलो। तो भाई आ गए मसूरी मॉल रोड पे, और अब निकलना है घर के लिए, और खाना वाना खाएंगे, हम निकलेंगे सीधा। ये पीछे जितेंद्र भाई बिल्कुल, क्योंकि हमारी गाड़ी है ना जो पार्किंग में नहीं खड़ी है, तो बस अब निकलते हैं भाई फटाफट। मॉल रोड आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है इस टाइम मॉल। अगर कोई आना चाहता है तो भाई आ सकता है, ठंड बहुत ज़्यादा है, पर चलते हैं अंदर। अभी ट्रेन में बैठ गए हैं, और अभी आया है ज्वालापुर स्टेशन। ऋषभ भाई हैं फुल, जितेंद्र भाई खाना खा के सेट हैं हम सारे। कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत बढ़िया। तो इसने मेरे को स्पॉन्सर किया यार ये ट्रिप ना। ट्रेन चलने वाली है, तो गाइस निकलते हैं मसूरी एक्सप्रेस। तो भाई बाहर आ चुके हैं नागलोई मेट्रो स्टेशन से, अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो हमारा ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जितेंद्र भाई कैसा लगा? एकदम मजा आ गया भाई, मजा आ गया। पर प्लान पे प्लान बने हैं, अब कुछ होती है चीजें जो बताई नहीं जा सकती। बाकी बढ़िया था। ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रिप पे। चलिए तब के लिए धन्यवाद।